मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने मंडलवासियों को विशेषकर नए युवा मतदाताओं को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया मतदाता बनना इसलिए भी खास है कि आपने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर खास उपलब्धि हासिल कर ली है और अब आप भारत के नागरिक हो गए हैं, लिहाजा आपका कर्तव्य है कि देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पहचान पत्र मात्र कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और दायित्व पत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए यदि मतदान के लिए आपको पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइन में लगना पड़े तो भी आप घबराए नहीं, अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं का सौभाग्य है कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हाथ से ना जाने दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सभी मंडल वीडियो को 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं इस आशय के साथ कि आप राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे, क्योंकि मतदाता बनकर आपके कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी आई है और आपको खास उपलब्धि हासिल हुई है। सर, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप मतदाताओं से, जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? इस बार का मतदाता दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आगे लोकसभा चुनावों में जाने वाले हैं। जितने सारे नए मतदाता बने हैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई, और साथ ही यह मेरी तरफ से ये आग्रह भी कि आपका मतदाता बनना खास है। आपको ये पता होना चाहिए कि देश में मतदाता वही बन सकता है जो देश का नागरिक हो। यह आपको खास उपलब्धि हासिल है कि आप देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होने के नाते, और वो भी तब जब आगे 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस आप मनाएंगे, तो मतदाता होने का एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ पड़ी है और इसको निभाना हमारा पूरा दायित्व है। मतदाता होने का मतलब होता है देश के निर्माण में भागीदारी, उसके लिए उस व्यवस्था को चुनने का दायित्व, ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। ये जो मतदाता पहचान पत्र सबको मिला है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, ये आपके लिए जिम्मेदारी पत्र है, दायित्व पत्र है कि जब देश की व्यवस्था को चुनने का समय आवे तो आप पीछे न रहें, आप उसमें भागीदारी करें। ये याद रखें कि ये जो आपको अधिकार मिल रहा है, इस अधिकार के लिए पता नहीं कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वो अवसर मिल सके जहाँ पर वो खुद मुख्तारी यानी अपना शासन, स्वशासन कर सकें। स्वशासन इसी तरीके से होगा जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आगे आने वाले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बिना पीछे रहे, चाहे आपको लाइन में लगना पड़े, क्यों में लगना पड़े, देश के लिए क्या हम लाइन में लग सकते, देश के लिए क्या हम थोड़ा बर्दाश्त नहीं करते सकते, थोड़ा समय नहीं दे सकते, क्या इतना महत्वपूर्ण है कि हम उस दिन छुट्टी पे घर बैठेंगे पर मतदान नहीं करेंगे। ये जो दायित्व है मतदाता दिवस इसी बात के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि मतदाता पहचान पत्र सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, एक पहचान पत्र भर नहीं है, ये दायित्व पत्र है। और इस बात के लिए कि आप अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ, ये संकल्प लें कि आगे आने वाले सभी चुनाव में पूरे जिम्मेदारी के साथ अपना समय निकालकर, अपना मत देकर इस मतदाता दिवस, मतदाता पहचान पत्र की का जो दायित्व हमें मिला है मतदाता बनने का, भारत का नागरिक होने का जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य का को हम कहीं से जाया नहीं होने देंगे, उसका प्रयोग करेंगे। और जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वाकई आप सम्मान करेंगे हमारे पूर्वजों का जिन्होंने अपना बलिदान किया, आप सम्मान करेंगे देश के संविधान का, आप सम्मान करेंगे देश के गणतंत्र का, आप सम्मान करेंगे।